नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्रिस्पी स्नैक है ना, उससे आप जल्दी सब्जी बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भे की। भे मतलब लोटस स्टेम मतलब भे, आप समझ रहे हैं ना, कमल ककड़ी। जी हाँ, उससे बनती तो है सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है और YouTube पे हजारों रेसिपी होंगी, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है हमारे रेस्टोरेंट से बनती है और इसे हम कई प्रकार से बनाते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हनी चिली लोटस स्टेम, बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी, बारिशों के लिए परफेक्ट स्नैक। चलिए बनाते हैं। बोलिए, लोटस स्टेम को पहले ना समझना बहुत जरूरी है। ये भे यानी कि कमल ककड़ी कीचड़ में होती है, तो इसे निकाल के साफ किया जाता है, अच्छे से धोया जाता है। कई बार इसके अंदर तक मिट्टी घुसी होती है, लेकिन आजकल जो भे की वैरायटी हमें मिलती है बाजार में, थोड़ी मोटी वाली लीजिए, मोटी वाली में मिट्टी कम होगी। इसके टॉप और बॉटम काट के इसे अच्छे से पील करना है। मेक श्योर कि आपकी जो भे है वो बहुत ज्यादा रेशेदार नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत मोटी होगी तो कई बार बहुत रेशेदार भी होती है। अब भे को इस तरह से पील कर लिया है, अब इसे इजी तरीका बताता हूँ काटने का, जो एक्चुअली में काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा। बहुत सारे लोग इसे बॉईल करते हैं, फिर स्लाइस करते हैं, फिर फ्राई करते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। हम आपको इजी तरीका बताते हैं। आपका जो ग्रेटर होता है ना, उसमें एक स्लाइसिंग अरेंजमेंट भी होता है, आप समझ रहे हैं, ये वाला। तो ये इससे अगर टेढ़ा करके ग्रेट करेंगे तो बढ़िया पतले पतले स्लाइसेस निकलेंगे और एकदम क्रिस्पी रहेंगे जब फ्राई करेंगे। अब ये जो स्लाइसेस हैं, इसे निकाल के पानी में डाल लें। और अच्छी तरीके से इसे धोना है, थोड़ा नमक डाल लीजिए। नमक डालने से अच्छे से साफ हो जाते हैं। और खुले पानी में इसे साफ करिए जब तक कि आपको संतुष्टि ना हो जाए कि हाँ, अब इस पानी में कोई मिट्टी नहीं दिख रही है, कोई गंदगी नहीं दिख रही है। लोटस स्टेम बनाते हुए कभी भी चांस नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी आई और पूरा टेस्ट किरकिरा हो जाएगा। मज़ा किरकिरा यहीं से आया है, क्योंकि किरकिरा टेस्ट आएगा ना मिट्टी वाला। अब ये बढ़िया से धुल गया है, अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं एक जाली में। और अब इसे करना है फ्राई। तो यहां पर इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा एंड कॉर्नफ्लावर लेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, उसे मिक्स करेंगे अच्छे से और लोटस स्टेम को अच्छे से कोट करना है। तो एक एक पीस को डुबाना पड़ेगा और हर तरफ से इसे कोट करना पड़ेगा। मेक श्योर, ये टाइम टेकिंग थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी लोटस स्टेम सारी पूरी पूरी क्रिस्पी नहीं होगी, तो ये करना जरूरी है। अब अच्छे से लोटस स्टेम पूरी कोट हो गई, अब इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करना है। अगेन सेम लॉजिक, अगर जरा सा भी तेल ठंडा हुआ तो लोटस स्टेम तेल पी जाएगी। गर्मा गर्म तेल में इसे क्रिस्पी फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अब ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए, ये लोटस स्टेम तो बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गई है, क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी बनी है। और इसी टेक्सचर में हमें ये बनाना है, अगर ये नहीं बनी तो बाद में खाने में ना मज़ा नहीं आएगा, मुंह में चिपक जाएगी। तो अब शुरू करते हैं हनी चिली लोटस स्टेम की सॉस बनाना। यहाँ पे एक बोल में मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले एक चम्मच विनेगर, साथ में डाल रहा हूँ मैं एक चम्मच चिली पेस्ट, बड़ा चम्मच, थोड़ी सी केचप, थोड़ा सा हनी, अजीनोमोटो, थोड़ा सा नमक, सोया सॉस, थोड़ा पानी, अब
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉस को रेडी रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि कढ़ाई पे या पैन पे जब हम वॉक पे टॉस करेंगे ना, तो वहाँ पर टाइम हमारे पास नहीं है। ज़रा सा भी हमने पैन पे लोटस स्टेम को ज़्यादा देर रखा तो वो फिर से सॉगी हो जाएगी, इसलिए सॉसेस को एक साथ मिक्स कर लिया है ताकि सॉस भी इवनली कोट करे लोटस स्टेम को। अब एक वॉक लेंगे और उसे अच्छे से गर्म करेंगे। वही सेम हर बार मैं आपको बताता हूँ चाइनीज़ खाना बनाने के लिए एक ही लॉजिक, पैन एकदम हॉट, सामान एकदम रेडी, मतलब चॉपिंग कटिंग पहले से रेडी होनी चाहिए। अब इस पैन को एकदम से हॉट करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ गार्लिक, साथ में सूखी लाल मिर्च को थोड़ा सा इस तरह से डायगनल काट के डाल रहे हैं। अब रेस्टोरेंट्स में हम हर चीज़ को थोड़ा स्टाइल से करते हैं ना, तो ये मिर्ची को भी आप कैंची से डायगनल काटेंगे ना तो लास्ट में बड़ा अच्छा दिखेगा। जैसे ही मिर्च और गार्लिक ब्राउन हो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप की हुई हरी मिर्च, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक। जैसे ये सॉटे होगा इसमें मैं डालूंगा ये सारी की सारी सॉस। अब सॉस को अच्छे से पकाना है जब तक कि ये ऑलमोस्ट गाढ़ी और चिपचिपी ना हो जाए। दैट इज़ द होल आइडिया कि जैसे ही लोटस स्टेम इसके अंदर जाएगा, हम उसे टॉस करेंगे, ये पूरी तरीके से लोटस स्टेम को कोट कर लेगा। सॉस बढ़िया से तैयार हो चुकी है, अब लोटस स्टेम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हरा प्याज, साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़े तिल के दाने और इसको क्विक टॉस करना है। अगेन आपको अगर टॉस करना नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, दो चम्मच लेके इसे बस इस तरीके से हिलाना है, दैट इज इट। सारा का सारा लोटस स्टेम टूटना नहीं चाहिए और सॉस उसके अंदर कोट हो जानी चाहिए। तो दो चम्मच लेके आप हल्के हाथ से इसे हिलाएंगे इस तरीके से, नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो सारा का सारा मिक्सचर सही में मिक्स हो जाएगा। साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़े तिल के दाने, थोड़ा सा हरा प्याज, एकदम बढ़िया क्रिस्पी होने चाहिए। और जब आप खाओ इसे गर्मा गर्म सीधा पैन से, अब देखिए ये अगर स्लाइसेस प्रॉपर पतले नहीं होंगे, अगर अच्छे से मैदे और कॉर्नफ्लावर में कोट नहीं होंगे, क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे, तो इस तरह की क्रंच देर तक नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है कि चाइनीज़ डिशेस बहुत जल्दी विल्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, पर ये डिश दूर तक चलेगी क्योंकि लोटस स्टेम की खासियत ये है ना कि अंदर मॉइस्चर बहुत कम है। इसलिए खाओ, मज़े उठाओ, हम भी मज़े उठा रहे हैं, आप भी मज़े उठाओ, साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। See you with the next recipe.